यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त को जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधी काल, उस काल के अंदर भी चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं, और 200 साल बाद वापस फिर एक मौका आता है जब विक्रमादित्य खड़े होते हैं, और विक्रमादित्य भी शकों को परास्त करके फिर सुशासन की व्यवस्था। तो अर्थात जब जब चुनौती मिलती तो भूमिका किसकी आती, तो भूमिका हमारी सदैव अपनी शिक्षा परंपरा की और आदर्श विद्यालय विश्वविद्यालय में दी गई उस उन्नत हमारी वातावरण की जो भूमिका होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए दुश्मन सदैव हमारी उस बात को जानता है जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल करके आते हैं।